गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो सर्टेन कैश फ्लोज का हमने बेसिक्स कर लिया टिल इक्वेशंस ऑफ वैल्यू. ठीक है, एंड आपका स्टैट्स में भी बेसिक चल रहा है एंड आपका रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हो गया. राइट, आज जो हम लोग करेंगे उस टॉपिक का नाम है कंटिंजेंसीज. ठीक है, सो देखो कंटिंजेंसीज में क्या है. एक्चुअली कंटिंजेंसीज मतलब पूरा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हर चीज हम लोग को समझना है. ठीक है, एज यू ऑल नो दैट सीएम वन में दो एग्जाम होता है, पेपर ए पेपर बी. पेपर ए और पेपर बी दोनों 100-100 नंबर का होता है. आईएफओ में दोनों का जो वेटेज होता है 70-30, 70% इज पेपर ए 30% इज पेपर बी, बट द एफर्ट्स विच वी नीड टू पुट इन पेपर बी इज ऑलमोस्ट 50-50. अगेन इन आईआई अगर आप देखोगे आईआई में जो वेटेज इज 50-50, आईएफओ में द पास मार्क इज रफली 60 एंड आईआई में इट इज 50. ठीक है, द पासिंग परसेंटेज इन आईएफओ इज रफली 40-45%, इन आईआई इट कैन बी समवेयर बिटवीन 5% to 40%, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, 5, 10, 15, 20 वो कुछ भी हो सकता है. सो कंटिंजेंसीज को करने में लगभग मैं आपको एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं. कल मैंने जैसे को बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं. इसके बेसिक्स को करने में हम लोग को लगभग 5 क्लास लगेगा. उसके बाद हम लोग नेट प्रीमियम रिजर्व्स, ठीक है, ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व्स ये हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग को 5 क्लास लगेगा. उसके बाद में हम लोग करेंगे जॉइंट लाइफ, मियां बीबी जिसको बोलते हैं, तो जॉइंट लाइफ में हम लोग को लगभग 3 से 4 क्लासेस लगेंगे. ठीक है, उसके बाद में हम लोग करेंगे कंपीटिंग रिस्क. ठीक है, कंपीटिंग रिस्क का मतलब समझते हैं क्या होता है. जब एक तुम कॉलेज में जाएगा ना तो तुमको एक लड़की से प्यार नहीं होगा, कोई तुमसे आके हल्का सा बात कर लेगी, कोई तुमको बोलेगी तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, बस कोई तुम्हारे तरफ मुड़ के देख लेगी, बस तुम उसी में पागल हो जाएगा. तो क्या होता है, बहुत सारा टाइप का रिस्क जब तुम लोग जाएगा तो फिर दोस्त लोग बोलेगा अच्छा सिगरेट पी के आते हैं. ठीक है, तो मतलब ऐसा बहुत सारा टाइप का तुम लोग को रिस्क फेस करना पड़ेगा. तो एक रिस्क नहीं होता है, वैसे इंसान के लाइफ में भी एक टाइप का रिस्क नहीं होता है. हम मर सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हम परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं, मेरे को जॉब से निकाला जा सकता है. ठीक है ना, हम खुद रिटायर कर गए, मेरा एज हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारा डिक्रीमेंट्स एक आदमी पे एक्ट कर सकता है. ठीक है, सो कंपीटिंग रिस्क, और उसके बाद में आपका आएगा प्रॉफिट टेस्टिंग. सो बेसिकली कंपीटिंग रिस्क में आपको लगेंगे 2 से 3 सेशंस एंड प्रॉफिट टेस्टिंग एंड रिविजन में आपको लगेंगे 5 सेशंस. ठीक है, सो लगभग अगर आप देखते हो यहां से 25 सेशंस निकल के आते हैं और हर एक सेशन इसमें 5-5 घंटे का पकड़ा जा रहा है. ठीक है ना, जो हम लोग नॉर्मली जिस तरीके से क्लास कर रहे हैं. मंडे से सेकेंड हाफ मैं लूंगा, मैम नहीं लेगी क्योंकि स्टैट्स खत्म हो जाएगा कल तक. सो बेसिकली ये आपका एक ब्रेकअप है. ठीक है, सो आज जो हम लोग चालू करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ कंटिंजेंसीज. नाउ इन सीएम वन व्हाट हैपेंस इज, जब आप एक बार बेसिक्स करते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं. उसके बाद जब उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है ना, तब आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो ठीक है, बेसिक्स बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. एक नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोचो. ठीक है, जितना तुम लोग सोचेगा उतना तुम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. ठीक है, अभी कुछ मत लिखो 5-10 मिनट के लिए. एक नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का इनफ्लो क्या है, जो वो प्रीमियम्स कलेक्ट करता है. इंश्योरेंस कंपनी का आउटफ्लो क्या है, जो उसको बेनिफिट देना पड़ता है, जो खर्चे वो करता है, ये सब टाइप का उसका आउटफ्लो रहता है. राइट, अब एक बात सोचो, इंश्योरेंस कंपनी को कितना प्रीमियम मिलेगा जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहेगा. इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कब देना पड़ेगा, जब पॉलिसी होल्डर मर जाएगा. दिस इज अ बेसिक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दूंगा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी को मेरे डिपेंडेंट्स को वो पैसा देना पड़ेगा. राइट, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का इनफ्लो भी सर्टेन नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी का आउटफ्लो भी सर्टेन नहीं है. स्टिल इंश्योरेंस कंपनी इतना रिस्क में बैठ के भी इतना सारा प्रॉफिट कैसे कमा लेता है, ड्यू टू एस्टिमेशन. वो सबसे पहले क्या करता है, वो इंसान का जीने और मरने का प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करता है कि भाई अगर मान लो मैं 100 लोग को पॉलिसी बेचता हूं, 100 लोग को पॉलिसी बेचता हूं तो हर साल कितने परसेंट लोग मरेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल हर साल 2% लोग मरेंगे, तो 100 लोग से बेसिकली सबसे पहले वो देखता है 2% लोग मरेंगे.
सो 2% लोग जब मर जाएंगे तो वो लोग को मेरे को कितना क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी पहले अपना आउटगो का एस्टिमेट करता है, ठीक है, वो उसका एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। अभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मतलब ईपीवी का मतलब क्या होता है, कल तक हम लोग क्या कर रहे थे, कैश फ्लो था उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाए, हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, राइट। आज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो में एक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है फर्स्ट ईयर में वो आदमी मरे या फिर वो नहीं मरे, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड कि भाई वो आदमी मरेगा, उसका इतना प्रोबेबिलिटी है, मरने पे मेरे को 1,00,000 रुपए देना है। तो एक बेसिक सा चीज समझो, मरने का प्रोबेबिलिटी 2% है और मरने से 50,00,000 देना है, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना हो गया, 50,00,000 का 2%, 50,00,000 का 2% कितना हो जाएगा बताओ, 50,00,000 का 2% कितना होगा, 1,00,000 होगा। सो बेसिकली 1,00,000 इज माई एक्सपेक्टेड कॉस्ट, समझ गया। अब बेसिकली ये तो मेरा एक्सपेक्टेड कॉस्ट आया है, अब ये मेरे को कब देना पड़ेगा, साल के एंड पे देना पड़ेगा, तो मैं इसको डिस्काउंट कर लूंगा एक साल, मैं इसको डिस्काउंट कर लूंगा एक साल। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, जो कैश फ्लो है इनटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। पहले क्या होता था, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, बट अब क्या होगा, कैश फ्लो इनटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी इनटू द डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इंश्योरेंस कंपनी अपना आउटगो एस्टिमेट करता है, वो ज्यादातर ऐसे एस्टिमेट करेगा कि भाई ये आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, और वो ट्राई करेगा होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करने का। होमोजीनियस ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म भरेंगे उसमें बहुत सारे रेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे रेटिंग फैक्टर्स होते हैं। रेटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये आपका रिस्क एसेस करते हैं, आपके जीवन का रिस्क एसेस करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अपने में से एक आदमी का पहले रिस्क एसेस करते हैं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, सक्षम। मम्मी पापा पहले अपना बच्चा का नाम सक्षम रख दिया, झमेला ही नहीं है, बच्चा को पे डे वन से प्रेशर आएगा। चलो बताओ तुम सिगरेट पीते हो, तो तुम्हारा होट क्यों काला है, नहीं पीता है, ठीक है चलो नहीं पीता है। देख यहां पर भी उल्टा पुल्टा कलर आ रहा है, हुक्का, ऐसे झूठ मत बोलो, अरे हम लोग सब फ्रेंड्स ही तो हैं, हाँ तीन पान रोज ये क्या है पहले ये बताओ, ठीक है चलो ये भी नहीं पीता है, ठीक है ड्रिंक्स कोई ड्रिंक नहीं किया आज तक, कोल्ड ड्रिंक ठीक है, गर्लफ्रेंड स्ट्रेस, तुम कोल्ड ड्रिंक बोला शुगर से डायबिटीज, तो फिर गर्लफ्रेंड झेठ मत बोल, बड़ा लाल हो गया चेहरा एकदम, चलो ठीक है। जब तुम कुछ नहीं कर रहा है तो और स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस हो रहा उसको फिर तुम रिलीज कैसे कर रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारा उसमें रेटिंग फैक्टर्स दिया हुआ रहेगा। अब जैसे मान लो ये बोला कि भाई हम हुक्का तो सर हम मेरा होता नहीं, मेरा दिन निकलता नहीं है हुक्का पिए बिना, तो इसका मैं टिक लगाए, तो इसको वो लोग अलग ग्रुप में डालेगा और इसको अलग ग्रुप में डालेगा, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग होगा और इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग। होमोजीनियस ग्रुप्स मतलब सबको ऐसा बांटना कि सबका मोर्टैलिटी फीचर सेम हो। अब जैसे मान लो हम गाड़ी कभी कभी तेज चलाते हैं, मतलब कोई हमको देख लेगा तो फिर बोलेगा बैठता नहीं फिर मेरे संग लोग, हमेरा मेरा ऐसी मेरे को आदत है गाड़ी तेज, कभी कभी एकदम नॉर्मल चलाएंगे एकदम तेज चलाते हैं, तो ये मेरा एक रिस्क फैक्टर हो गया कि भाई हम गाड़ी तेज चलाते हैं, तो मेरा जो मोर्टैलिटी का प्रोबेबिलिटी होगा वो कोई एक ऐसा आदमी जो गाड़ी 40 के अंदर में चलाता है उससे डिफरेंट होगा, तो मेरे को अलग ग्रुप में डालेगा, उसको अलग ग्रुप में डालेगा, स्मोकर को अलग ग्रुप में डालेगा, नॉन स्मोकर को अलग ग्रुप में डालेगा, ड्रिंकर को अलग, नॉन ड्रिंकर को अलग। अब उसमें भी ड्रिंक करता है तो कितना करता है, ठीक है, तो ऐसे करके वो लोग छोटा छोटा होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करेगा कि भाई आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या, आपका कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या बीपी का शुगर का, छोटा छोटा पॉलिसीज में वो लोग कर लेता है नॉर्मली, आप पे बेस्ट फेथ में वो लोग कर लेता है, बट जो बड़ा बड़ा अमाउंट का पॉलिसीज होगा 5 करोड़ 10 करोड़ उसमें वो लोग आपका पूरा मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह भी होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली हर टाइप का एक अंडरटेकिंग लेगा आपसे, और अगर मान लो तुम्हारा जो
डेथ रिपोर्ट होगा उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई इसके वजह से इसका मौत हो गया। और अगर मान लो वो चीज तुमने फॉर्म में गलत बताया, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोला हम तो आज तक कभी छुए ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि जैक डेनियल्स क्या होता है, ठीक है, और तुम डेली रात में 3 पैक 4 पैक जैक डेनियल्स का पीता है, ठीक है, और जब मौत होगा तो फिर उसमें लिखा जाएगा तुम बोला हम तो कभी जानते ही नहीं कि सिगरेट क्या होता है, हम तो बचपन में चार्ली वाला वही वाला पिए हैं बस, जो होता है ना एक तो देखा चालू वहीं से होता है, ठीक है, तो हम तो खाली वो चार्ली वाला मिंट वाला वो किए हैं, और तुम डेली तुम्हारा फेफड़ा खराब हो गया सिगरेट पी पी के, तो तुम्हारा रिपोर्ट में तो आएगा कि इसका लंग्स में कुछ बचा नहीं था, तार इतना टार, मूवी हॉल में गया है, मूवी हॉल में नहीं गया है, स्टार्टिंग में जो नहीं आता है इतना टार मिलेगा, इतना टार मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि अगर एक्सक्लूजन में आता है वो चीज तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को डिनाई कर सकता है कि भाई आपने मेरे को यह चीज झूठ बोला, क्योंकि अगर मान लो तुम फॉर्म में सही से डिस्क्लोज करता तो तुमको एक स्मोकर पॉलिसी लेना पड़ता, राइट, और स्मोकर पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू मेल्स का, जो मोर्टेलिटी होता है वो ज्यादा होता है, फीमेल्स का कंपेरेटिवली कम होता है। इंसान अगर मान लो 20 साल की उम्र में पॉलिसी लेगा तो प्रीमियम कम होगा, 25 साल की उम्र में अगर पॉलिसी लेगा तो प्रीमियम ज्यादा होगा। बेसिकली इस टाइप से वो लोग अलग 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 अलग, अगर मान लो मैं ऑक्यूपेशन का बात करूं तो हम लोग का खाली क्या काम है, हम लोग खाली पढ़ाने का काम है, तो हम लोग का उतना बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं है, लेकिन कोई एक स्पोर्ट्स ट्रेनर है तो उसका मोर्टेलिटी अलग होगा, मेरा मोर्टेलिटी अलग होगा। इनकम ग्रुप मान लो मेरा कमाई है साल का 2 करोड़ रुपया, ठीक है, एक्चुअल में है, अब मान लो कोई 2 लाख रुपया कमाता है तो ऑब्वियस बात है उसका लाइफस्टाइल, उसका हाउसिंग, उसका एडुकेशन, हर चीज माने समझ रहे मेरे से खराब होगा। तो बेसिकली इनकम लेवल पे आता है, आपका जेनेटिक्स कैसा है, जैसे मेरे को पैनक्रियास में प्रॉब्लम है तो मेरे जीन्स में मिसमैच है, आई हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम। सो बेसिकली अगर कोई जेनेटिक का आपका प्रॉब्लम है तो वो बेसिकली वो लोग देखते हैं। हाउसिंग, आपके घर पे कितना लोग रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन की बात है, एक रूम में हम लोग 5 जन रहते थे, एंड टुडे आई एम हैविंग अ 5 BHK फ्लैट, समय समय की बात है। तो बेसिकली हाउसिंग वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई शेयर्ड हाउसिंग में रहता है तो बेसिकली कितना बेसिकली वो लोग बोलते हैं कि कोई टाइप का डिजीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना, मान लो घर में एक जन को हुआ, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हुआ, उससे तुमको हो गया, ठीक है, और अब तुमसे तुम्हारे घर में पूरा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के जो डिजीजेस होते हैं जो फैलते हैं तो बेसिकली हाउसिंग से फर्क पड़ता है। फिर वो बोलते हैं आपका एडुकेशन का लेवल, ये लोग बोलता है किताब में ऐसा बोलता है कि अगर तुम पढ़ा लिखा है तो तुम दारू, तुम हुक्का, तुम सिगरेट कम पिएगा, वीड गांजा तुम कम करेगा, बट आजकल देखने को तो उल्टा मिलता है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, समझ रहे बात को आगे, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ही सब, अरे तुम ये नहीं करता है, पीयर प्रेशर, कॉलेज में जाओगे तो लोग ऐसे बोलेंगे ए बच्चा है जाना क्या निकल ऐसे, बोला हाँ ठीक है बच्चा है देखेंगे 5 साल बाद, ठीक है ना, ऐसे पीयर प्रेशर डाला जाएगा तुम पे, बिकॉज लोग हैं नलायक, लोग चाहेंगे कि तुम भी नलायक बन जाओ, ठीक है ना, ऐसे तुम्हारा टांग खींच के चाहेंगे तुमको नीचे ले आए, कभी भी उनकी बातों में मत आना। ये सब चीजें पकड़ना जितना आसान है छोड़ना बहुत मुश्किल, ठीक है, एक बार अगर आदत लग गया तो जो आदत लगाया वो तो छोड़ देगा, और तुम इतना मासूम है ना अभी, तुम लोग को आइडिया नहीं है, इसलिए अभी तुम लोग कॉलेज गया नहीं है, इसलिए हम पहले से ही आगा कर रहे हैं, कोई भी कभी बोले चल, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, गया ठीक है बट ये सब चीज में हाथ नहीं लगाएगा एकदम अभी से, कभी नहीं लगाना, ठीक है। तो बेसिकली एडुकेशन में वो लोग बोलता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अब ये सब चीज नहीं करेंगे, बट ज्यादा उन्हीं लोगों में देखा जाता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन हो गया, आप कहां रहते हैं, जैसे इंडिया में क्या है, ठंडा भी है गर्म भी है, बट यू टॉक अबाउट यूके, तो यूके में क्या होता है, जनरली विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होता है और नॉर्मल में भी ठंड होता है, सो आप देखो आप एक्सट्रीम्स में एक्सपोज है क्या टेम्परेचर में, तो उससे आपके मोर्टेलिटी पे इफेक्ट आता है, ठीक है। सो बेसिकली ये सब टाइप के जो चीजें हैं इनसे बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं मतलब होमोजीनियस ग्रुप्स बनाएंगे जिनका मोर्टेलिटी फीचर सेम होगा, और फिर उस होमोजीनियस ग्रुप्स का एक प्रीमियम निकल के आता है,
फिर क्या होगा, मान लो एक रेटिंग फैक्टर ऐड हुआ, भाई तुम पहले नॉन स्मोकर था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई, बोली इट्स ओवर, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या बोल के बंद होता है, यू कैन गेट समवन बेटर, यू डिजर्व बेटर, क्या बोलते बताओ, तुम लोग को तो आइडिया होगा, क्या बोलते तुम बोलो, किसी का हुआ है ब्रेकअप इसका, देख के तो ये एकदम, तेरा हुआ है, यही बोलेगा, यही बोलेगी, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे बोले इट्स नॉट यू इट्स मी, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बेसिकली वही है, वो याद में फिर वो सिगरेट पीने लगा, ठीक है, तो अब अगर वो पीने लगा तो इंश्योरेंस कंपनी, जैसे समझो तुम फॉर्म में तो लिख दिया कि यू आर नॉन स्मोकर, अब इसमें यह भी समझना है कि तुमको पॉलिसी लिए हुए कितना टाइम हो गया है। अभी लग रहा है ना सर, खाली सर को इस चीज का पैसा दिए हैं क्या, 31,800, सर हुक्का दारू सिगरेट का बात करते हैं, ठीक है ना, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली आप समझना, तुमको पॉलिसी लिए हो गया 5 साल, जब तुम पॉलिसी लिया तुम एक बहुत खुश आदमी था, एकदम पूरा दिन सबको हंसना हंसाना, फिर तुम्हारे लाइफ में एक लड़की आई और मतलब तुम और खुश हो गया, फिर धीरे धीरे करके 6 महीना तक सब ठीक था, फिर धीरे धीरे झगड़ा होने लगा, झगड़ा होने लगा, फिर झगड़ा टनने लगा, फिर एकदम तुमको लगा बस अब तो आज तो बोल ही देंगे, और तुम बोलने जा ही रहा था वही सामने से बोल दी, आई थिंक वी शुड ब्रेक अप, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम नाउ, मतलब ऐसे करके वो सामने से बोल दी, ठीक है, और फिर जग सुना सुना, और ऐसे करके ही मतलब अब तुम याद में, अब तुम क्या करें, किसी का सहारा लेना था तुम ले लिया, उठा लिया, बोला आज तो देख ही लेंगे, गली के नीचे का पान दुकान में गया, बोला भैया एक दीजिएगा, ठीक है, तो वही चीज है। अब तुमको पॉलिसी लिए कितना टाइम हो गया, नाउ व्हाट दे से इज कि एक होता है कि अगर मान लो तुम अभी पॉलिसी लिया है या फिर कुछ टाइम मतलब 6 महीना साल भर हुआ है, तो दैट इज द सेलेक्ट पीरियड। सेलेक्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, उस टाइम में इंश्योरेंस कंपनी को तुम्हारे मेडिकल कंडीशन के बारे में ज्यादा आइडिया होता है, एंड एक होता है कि तुमको पॉलिसी लिए 10 साल हो गया, सो 10 साल में इंसान का मेडिकल बहुत चेंज हो जाता है, कि भाई कोई बीमारी तुमको डेवलप हो गया, तुमने कोई तुम बहुत अनफिट हो गया पहले से, ठीक है, और तुमने कोई हैबिचुअल ये सब जो पान बीड़ी गुटखा ऐसा होता तुम ये सब करने लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा नहीं पता होता तुम्हारे बारे में। समझो दो आदमी है 40 साल का, एक आज पॉलिसी लिया है और एक पॉलिसी लिया था जब वो 30 साल का है, तो बेसिकली दोनों में किसका मोर्टेलिटी ज्यादा होगा, जो पॉलिसी 10 साल पहले लिया था, क्यों, क्योंकि उसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली बोलने का मतलब क्या, इन सब फीचर्स के हिसाब से वो लोग डिवाइड करते हैं। अब एक बेसिक से समझो, हम बोले जब तुम्हें एडमिशन लेने आया तो हम बोले कि मैथ्स में कितना आया, तुम बोला 70, हम बोला सॉरी एडमिशन इज क्लोज्ड, ठीक है, तो फिर एक और जन आया, हम बोले मैथ्स में कितना आया, बोला 95, हम बोले स्वागत है आपका। तो बेसिकली मेरे यहां पर एक कंडीशन है कि मैथ्स में 90+ आएगा तो ही हम पढ़ाएंगे, समझा, तो ये मैंने क्या किया, मैंने रिस्क को बेसिकली अलग अलग किया, मैंने रिस्क के बेसिस में, जैसे मान लो जो बच्चा का 70 आया उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ेगा, सोचो उसको पहले बेसिक कराना पड़ेगा, फिर वो 10 रकम का डाउट पूछेगा, जो बच्चा का 95 है उसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना है, मैं फटफट पढ़ाऊंगा उसको, धीरे धीरे समझ, उसको आराम समझ में आने लगेगा, उसको समझ में आ जाएगा, वो पास भी हो जाएगा, उसका रैंक भी आएगा, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी हो जाएगा, समझा। सो बेसिकली ये जो चीज है, और एक कोचिंग है जो किसी को भी ले लेता है, जो किसी को भी, मैं बोला अगर तेरा मैथ्स में 100 आएगा तो हमारे यहां पर 50% ऑफ देंगे, नहीं बस सोचो हमारे यहां पर 50% ऑफ, समझा। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसका मैथ्स में 90+ आया है, जिसका मैथ्स में 90+ नहीं आया है, बट दूसरा वाला डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, समझा। तो क्या होगा मेरा कोचिंग में, क्या होगा सोचो, तो जिसका 90+ आया है वो लोग ज्यादा करके मेरा कोचिंग में आएगा, क्योंकि वहां पर कम फीस है, सर भी अच्छा ही ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। और दूसरा कोचिंग में क्या होगा, जितना भी 90 के नीचे वाला लोग है, 90+ वाला तो सब मेरा में आ गया, 90 के नीचे वाला लोग दूसरा कोचिंग में जाएगा, वो जो कोचिंग है उसको एडवर्स सिलेक्शन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करे दैट इज अ बैड पॉपुलेशन, समझा। अब इसी को सोचो एक एग्जांपल में, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, ठीक है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लो एक है प्रवीण कंपनी, प्रवीण कंपनी क्या करता है, स्मोकर से लेगा 110,
नॉन स्मोकर से लेगा 90 और एक है कुछ भी समझ लो प्रवीण कंपनी, एक शिवांगी कंपनी समझ लो, ठीक है। शिवांगी कंपनी क्या करता है, स्मोकर हो चाहे नॉन स्मोकर हो सबसे लेगा 100। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जितना भी सारा नॉन स्मोकर है वो लोग को मेरे यहां पर कम प्रीमियम देना पड़ेगा, तो सारा का सारा नॉन स्मोकर मेरे यहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा और सारा का सारा जो स्मोकर है वो यहां अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरे यहां पर स्मोकर को 110, उसके यहां पर स्मोकर को 100, तो ये वाला कंपनी को आउट को ज्यादा होना पड़ेगा ना, बिकॉज स्मोकर लोग तो ज्यादा मरेंगे, पीपी के फेफड़ा खराब हो जाएगा वो लोग का, ठीक है। तो वो तो वहां पर ज्यादा वो लोग स्मोकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग का पॉपुलेशन जो है वो अनहेल्दी है। ऐसे बैंक में भी होता है, बैंक में समझो क्या होता है, बैंक में तुम देखा कि भाई तुम बोला आपका आईटीआर का 2 गुना ही लोन मिलेगा, आपका एनुअल इनकम का 2 गुना ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है। और एक बैंक है बोला आईटीआर का 4 गुना लोन देगा, कौन सा बैंक ज्यादा लेवरेज ले रखा है, ये वाला बैंक, किसमें पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा होगा, ये वाला बैंक में होगा ना। ये वाला बैंक आपसे 50 क्वेश्चन पूछता है लोन लेने के पहले, और ये वाला बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। ये वाला बैंक रेगुलेटेड है, ये वाला बैंक नॉट रेगुलेटेड है, समझते हैं एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है। हम लोग यहां पर एकदम क्लियर है भाई, बच्चा नॉन मैथ से है, हम लोग एकदम बोल देते हैं कि आप अपने रिस्क पे आइए, ठीक है। आपको बेसिक मैथ्स का आपको क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ, आप पहले वो देखिए, आपको लगता है आप कोप अप कर पाएंगे, डेमो लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, हजारों 1200 वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पे, बोला देखिए फिर आप सोच के आप बताइएगा, ठीक है, समझ रहे। और कोई बोलता है नहीं, हाँ आराम से हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ। तो एडवर्स सिलेक्शन हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत सारा जगह पे मेल फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट करता है, बोला फीमेल आपसे प्रीमियम कम लेंगे, मैंने उस वे से नहीं, मतलब फीमेल्स का मोर्टेलिटी कम होता है कंपेयर टू मेल्स, ठीक है, उस वे से, ठीक है। तो बोला फीमेल आपसे प्रीमियम कम लेंगे, आप मेल आपसे प्रीमियम ज्यादा लेंगे, तो बेसिकली एक ऐसा चीज जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता है, मेल के नॉट बिकम फीमेल एंड फीमेल के नॉट बिकम मेल, दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज अ परमानेंट डिफरेंशिएशन। और एक होता है जो टेम्पोररी डिफरेंशिएशन होता है, जो मैंने आपको बोला कि टेम्पोररी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ऐसे समझना, एक आदमी है 40 साल का, वो आज पॉलिसी लिया है, और एक आदमी है वो जब 30 साल का था तब वो पॉलिसी लिया और आज वो 40 साल का, उसको 10 साल हो गया पॉलिसी लिए, तो दोनों आदमी आज कितने साल के हैं, 40 के हैं, बट मोर्टेलिटी किसका ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा और इस वाले का कम होगा, कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, क्यों, बिकॉज आज जो पॉलिसी लिया है उसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सारा इंफॉर्मेशन है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आज जो पॉलिसी ले वो आपके जैसा मोटा आदमी हो, ठीक है, तुम हंसा, ठीक है, और जो 10 साल पहले पॉलिसी लिया हो विराट कोहली टाइप का आदमी हो, उसका काम ही है पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, बात वो नहीं हो रहा है, बात ये हो रहा है, बात यहां पर ये हो रहा है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत रफ बात बोल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को तुम्हारे मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम मर गया इंश्योरेंस कंपनी वाले बढ़िया है, बात वो नहीं हो रहा है, बात है कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा क्या, ये बताओ, तुम मर गया इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ा, एक्सक्लूजन में आता है वो चीज, इंश्योरेंस कंपनी एक फोटा आंसू नहीं बहाएगा, ठीक है ना, तुम चीज समझो हम क्या बोलने का ट्राई करें यहां पर। बात यहां पर ये हो रहा है, मैं क्यों बोला ऐसा कि भाई समझ लो जो पॉलिसी 10 साल पहले लिया है उसका में ऐसा भी तो बहुत सारा चीज डेवलप हो सकता है, जो पॉलिसी लेते टाइम नहीं था लेकिन आज है, जो इंश्योरेंस कंपनी को जिसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी इज ओनली कंसर्न कि भाई उसको पे आउट देना है कि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आज अगर कोई आदमी है और मान लो कि आज अगर वो पॉलिसी लिया है विद सम मेडिकल प्रॉब्लम, तो ही विल हैव टू पे सम एडिशनल प्रीमियम क्योंकि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। अब पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये मेडिकल प्रॉब्लम के वजह से आपकी मौत होती है तो हम लोग लायबल नहीं है कोई भी क्लेम देने के लिए, चीज समझना। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है और आपका उसी मेडिकल प्रॉब्लम के वजह से मौत होता है, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है,
तो बेसिकली पॉइंट यहां पर ये हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को पे आउट देना पड़ेगा क्या, जी समझ रहे ना, पे आउट देना पड़ेगा क्या, ये बहुत बड़ा एक इशू है। पे आउट के हिसाब से सोचना, तुम लोग क्या है, तुम लोग इमोशनल हो जाते हो, कोई तुम लोगों को कुछ भी बोल देता है, मान लो मम्मी पापा गर्लफ्रेंड भाई बहन कोई भी कुछ भी बोल देगा, ऐसा ऐसा बोलोगे हमको ऐसे बोल दिया, हम इतना किए, हमको ऐसे बोल दिया तो बोल दिया, लेट गो। वैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहा है, बोल रहे आप मरिए जी हमको फर्क नहीं पड़ता है, पैसा देना है क्या, ठीक है, ठीक है ना। सो बेसिकली प्रोसेस क्या है, प्रीमियम निकालेगा, प्रीमियम निकालने के बाद में हर साल वो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या होता है, जैसे मान लो 1000 रुपए प्रीमियम का आया, ठीक है, अब पहला साल पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, पहला साल पॉलिसी होल्डर एकदम जिंदा एकदम मस्त, ठीक है, तो क्या ये जो 1000 रुपए का जो प्रीमियम आया पूरा खर्चा कर दे, हाँ, ये जो 1000 रुपए का जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कलेक्ट किया है ये पूरा खर्चा हो जाएगा, नहीं, खर्चा कैसे कर देंगे, अभी तो 1000 रुपए प्रीमियम का लिए हैं, देना पड़ेगा 1 लाख, जब मरेगा तो 1 लाख देना पड़ेगा, तो कहां से लाएंगे, पहला साल कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल कुछ नहीं हुआ, तीसरा साल कुछ नहीं हुआ, चौथा साल कुलुलुप, ठीक है, एक बार सारा तनीम तला नीम तला नीम तला नीम तला, तुम रस्ते से जा रहा था भेलपुड़ी खा रहा था सीधा, हिंदी पिक्चर देखा है पुराना, नहीं देखा है, देखा था फैक्ट्री में काम करा था, ऊपर से दिखता है कि वो छोड़ देता है, ऊपर से कुछ गिरता है उस पर, अब बस। तो बेसिकली जब पैसा देना पड़ेगा तो कैसे देगा पैसा, ये कोई टीवी शो थोड़ी है, जो मरेगा जिंदा हो जाएगा, एक बचपन में सीरियल आता था कसौटी जिंदगी की, भाई क्या रबिश दिखाता था उसमें, वो 4 बार मर के जिंदा होता था, मैं कुछ भी, मैंने मान लो जब उसको छुट्टी लेना होगा 3 महीने के लिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट दिखा देता होगा, ठीक है, फिर जब वापस आता होगा तो वापस जिंदा कर देता होगा उसको, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, ये 1000 रुपए का बेसिकली बोलता है मेरे को 100 रुपए खर्चा के लिए रखना है, बाकी 900 रुपए का वो रिजर्व बनाता है, समझता है, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व मतलब अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड टू मीट फ्यूचर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, फ्यूचर में जो पैसा देना होगा उसके लिए जमा करेगा, मान लो 4 बार प्रीमियम दिया 1000 रुपए करके, तो कितना रुपया हुआ, 4000 रुपए हुआ, खर्चा का मान लो 500 रुपया, कितना बचेगा, इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के मान लो 3800 रुपया अकाउंट में है, तो क्या 1 लाख रुपया मीट कर पाएगा, नहीं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिंग ऑफ रिस्क, पुलिंग ऑफ रिस्क क्या बोलता है, क्या पॉलिसी एक जन को बेचे है, करोड़ों लोग को पॉलिसी बेचे, उसका एक सर्टेन परसेंटेज मरेगा, पुलिंग ऑफ रिस्क, इसी से तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाता है, तुम और तुम्हारा गर्लफ्रेंड या फिर तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो तुम बोली कि बहुत दिन हो गया है, नया पिक्चर आया है, हम लोग चलते हैं, तो वो थोड़ा ड्रामा करेगा, लड़का लोग का आदत है तो ड्रामा वामा करेगा, फिर वो बोला हाँ ठीक है चलो, मैं लिंक भेज रहा हूँ पेमेंट का, तुम पेमेंट कर दो, तो तुम पेमेंट कर दी, ठीक है, और तुम पेमेंट करते टाइम तुमको पेटीएम में एक पॉपअप आया, लास्ट मोमेंट कैंसलेशन, ऐसा आता है मूवी टिकट बुक करते टाइम आता है, कि अगर आपको अपना टिकट को इंश्योरेंस कराना है तो 2 घंटा पहले भी करे कैंसिल, और उसके लिए लगेंगे सिर्फ 50 रुपए एक्स्ट्रा। तुम बोला बॉयफ्रेंड तो है अड़ियल, इसका दिमाग खराब होगा, ये कभी भी एंड मोमेंट बोल देगा कि हमको तो नहीं जाना है, तुम समझो तुम अपना किसी सहेली को ले जाओ, तो तुम बोले, तुम वो ऑप्शन में टिक कर दी, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लग गया तुम्हारा। हॉल का कैपेसिटी है मान लो, कितना हॉल का कैपेसिटी होता है, 300 into 50, मैंने बोलो कितना कलेक्ट किया प्रीमियम, 15000 होगा ना, 15000 में सबसे प्रीमियम ले लिया, वैसा भी हो बहुत लोग नहीं भी लेगा, मान लो 15000 प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, अब क्या हुआ, तुम लोग रास्ता में निकला, ठीक है, और झगड़ा हो गया, होता है ये झगड़ा, झगड़ा तो ऐसे ही नॉर्मल होता है, कोई बात पे हो गया झगड़ा, अरे तुम ऐसे बोल दी ये वो, ठीक है, तुमको समझ में नहीं आता, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तो झगड़ा हो गया। अब झगड़ा अगर हो गया, तुम बोली थैंक गॉड, बोली क्या हुआ, बोली मैंने मूवी टिकट का इंश्योरेंस ले रखा था, ठीक है,
तो पूरा पैसा जो है तुम्हारा टिकट का तुमको कुछ थोड़ा बहुत काटेगा लेकिन पैसा पूरा वापस कर देगा। तो इंश्योरेंस से क्या होता है, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेबिलाइज हो जाता है। कोई भी टाइप का, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लिया तुम, हर साल प्रीमियम दिया, ठीक है, अचानक से कुछ हुआ, मैंने ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है कलकत्ता में जो भर्ती करेगा ना, जैसे मान लो कोई मेरा घर में बीमार हुआ, हम भर्ती कर दिए, तो हम भर्ती किए, हमको बुखार हो जाएगा बिल देख के, मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी लगाता है, ठीक है। तो मान लो तुम भर्ती किया, बट मेडिक्लेम होने से क्या होता है, कैशलेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना है, तुम एक बार स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कर लो, ऑटोमेटिक वो इंश्योरेंस कंपनी से करके तुम्हारा जो नेट नेट बिल आएगा बहुत कम बिल आता है, कि भाई जो भी तुम लग्जरी अगर मान लो करता है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस से बेसिकली कैश फ्लो स्टेबिलाइज होता है ना, पुलिंग ऑफ रिस्क। पुलिंग ऑफ रिस्क क्या होता है कि भाई 15,000 ये कलेक्ट किया, बट कितना ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होगा, 10 कपल में कितने का झगड़ा हो जाएगा बताओ ना, दो का, तो दो ही ना कैंसिल करेगा, दो ही ना कैंसिल करेगा, कितना रुपए देना, 1,000 रुपए देना, दे देगा 2,000 रुपए देना, तो हमेशा सेलर इज द विनर। तो पुलिंग ऑफ रिस्क पहला कॉन्सेप्ट है। पुलिंग ऑफ रिस्क क्या होता है, पुलिंग ऑफ रिस्क ठीक है। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, तुम अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी और लड़की में इंटरेस्ट ले सकता है, नहीं ना, तो तुम अपना पे ध्यान दो। जैसे मान लो तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड रो रहा है, ठीक है, तुम उल्टा फुल्टा बोल दिया, दूसरा कोई लड़की का आंख में आंसू देख लेगा ना, तो फिर बोलेगा व्हाई आर यू क्राइंग बेबी, ठीक है, आई एम हियर डोंट वरी, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, तुम अपना प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, ठीक है। कोई रास्ता में तुम दिख रहा है कोई बिल्डिंग गिरने वाला है तो तुम उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकता है, तुम अपना प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराओ, तुम दूसरा का प्रॉपर्टी में दिमाग मत लगाओ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तुम बोलेगा ये प्लेन खराब है इसका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, ये अगर खराब हो जाएगा हमको पैसा मिल, नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम अपना प्रॉपर्टी का, अपना जीवन का, अपना हेल्थ का इंश्योरेंस तुम करा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली पुलिंग ऑफ रिस्क, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब समझना, ये जो रिजर्व जो है, एक होता है प्री फंडिंग ऑफ रिस्क। प्री फंडिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, तुम प्रीमियम पहले से देना चालू किया था, राइट, बहुत पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कि भाई अगर ऐसा ऐसा कुछ होगा तो आप मेरे को ये पैसा दीजिएगा, उसके लिए हम आपको पैसा हर साल थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, राइट। सो दैट इज प्री फंडिंग ऑफ रिस्क। प्री फंडिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या है, जैसे मान लो घर पे हम लोग ये चीज सुनते होंगे कि तुम्हारा पढ़ाई है, अभी तुम कॉलेज जाएगा, मम्मी बोलती होगी हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा साइड कर रहे हैं, जो गर्ल्स स्पेशली तुम्हारा शादी होगा हम थोड़ा थोड़ा करके ज्वेलरी के लिए हम कभी ये लेंगे, तो दैट इज बेसिकली प्री फंडिंग। क्योंकि अचानक से मान लो एक बहुत बड़ा खर्चा आ गया 1 करोड़ रुपए का, 70 लाख का, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो चीज करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो दैट इज प्री फंडिंग ऑफ रिस्क। क्योंकि तुमको पता है कि भाई हेल्थ है, आज कभी कुछ भी हो ही सकता है, तो हम लोग पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं और वो हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं कि भाई हर साल हम आपको 5,000, 7,000, 8,000 रुपए देंगे, एंड आप बेसिकली अगर ऐसा कुछ आपदा आएगा तो आप बेसिकली मेरा उस समय पैसा दीजिएगा। दिस इज प्री फंडिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। सो पुलिंग ऑफ रिस्क, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्री फंडिंग ऑफ रिस्क, आर 3 फीचर्स। नाउ इन इंडिया, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंश्योरेंस, गवर्नमेंट क्या करता है, हम लोग को टैक्स बेनिफिट देता है। टैक्स बेनिफिट क्या देता है, गवर्नमेंट बोलता है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए, और जो अमाउंट पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, जैसे मान लो साल का 50,000 पे कर रहे हैं प्रीमियम का, तो उस पे अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, बेसिकली वो आपका इनकम में काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए इंश्योरेंस को अलग अलग तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इंश्योरेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, और बेसिकली बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आ रही है, ठीक है। बट इंश्योरेंस में एक प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना कम इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, बिकॉज इंश्योरेंस में बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, और इंश्योरेंस में हमेशा देखो एक बैंकिंग चैनल का दरकार पड़ता है, टू हैव फ्री फ्लो ऑफ फंड्स, टू हैव फ्री फ्लो ऑफ फंड्स। फ्री फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, तुम देखो, हम तुमको एग्जांपल देते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है, एचडीएफसी अर्गो,
एचडीएफसी लाइफ, समझता है? तो ना हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक जॉइंट वेंचर की तरह बनता है जिसमें एक फॉरेन का कंपनी होता है और एक इंडिया का कंपनी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक बैंकिंग कंपनी होता है। क्यों? बिकॉज बैंकिंग बैंकिंग चैनल से हम लोग को फ्री फ्लो ऑफ फंड्स मिलता है। और एक जो टर्म होता है बैंक अश्योरेंस, बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तुम जैसे मान लो बैंक से कोई भी लोन लेने जाएगा तो बैंक के पास एक कस्टमर बेस है, तुम बैंक से कोई भी लोन लेने जाएगा बैंक बोलेगा सर आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आपको हम ही से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तभी हम आपका लोन पास करेंगे नहीं तो आपका लोन पास नहीं करेंगे, समझ रहा है? तो बेसिकली ये सब, अब जैसे मान लो बैंक के पीछे इसका क्या लॉजिक है, जैसे मान लो तुम एक प्रॉपर्टी खरीदा, हम प्रवीण पटवारी ये सेंटर खरीदा 2 करोड़ रुपए का, बैंक से लोन उठाया था, बैंक बोला सर आपको टर्म इंश्योरेंस कराना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए का, ओपन बोला, बोला आप 1 करोड़ रुपए का हमसे टर्म इंश्योरेंस कराइए देखिए आपका 10 दिन के अंदर लोन पास कर देंगे। हम कराया, हमको जल्दी था, हम कराया बैंक से। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। अब जैसे मान लो आपातकालीन मेरा मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में अब बैंक तो मेरा टर्म इंश्योरेंस कराया, लॉजिक समझो, तो मेरा मृत्यु होगा मतलब मेरे डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा। इस केस में क्या होता है ना, बैंक एक तरीके से सिक्योर रहता है क्योंकि मेरे डिपेंडेंट्स को जो पैसा मिला है इनकेस कोई भी लोन वगैरह पेंडिंग रहेगा तो वो लोग वो पैसा से लोन चुकाएंगे। तो इस टाइप का बेसिकली माइंडसेट के साथ में ये चीज सेल किया जाता है, ठीक है, समझते हैं? ऐसा भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज होता है। तो दिस वॉज बेसिकली एन ओवरव्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम नोट्स, ठीक है, कॉपी निकालो। आइए, सबको याद है, सबको समझ में आया बेसिक जो मैंने बताया, यस और नो?